Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने थीम सॉन्ग लॉन्च कर दिया है। 2 मिनट के आसपास का यह थीम सॉन्ग है और इस सॉन्ग को खुद आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे ने ही लिखा है। वो हमारे साथ मौजूद हैं। जिस मंच से इस थीम सॉन्ग को लॉन्च किया गया है वहां पर तमाम आम आदमी पार्टी के नेता मौजूद थे और ये खास बात भी यहां पर नजर आई, ये कुर्सी जो आप देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल के लिए खाली छोड़ी गई थी। इस वक्त अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में है, तिहाड़ जेल में बंद है और यहाँ पर एक कोशिश है लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कि अरविंद केजरीवाल तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यक्रमों में मौजूद है। लेकिन दिलीप पांडे से हम बातचीत कर लेते हैं। मैं आपका ये पूरा गाना सुन पा रहा था और इसको मैं एक बार प्ले भी कर देता हूं। कोशिश ये है कि इसका मकसद क्या है और उसमें आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं वो साफ हो जाए। अरविंद केजरीवाल के नारे से आपने इसमें शुरुआत की है तो जाहिर है कि मकसद क्या है इसमें, जो बोल आपने लिखे हैं उसका और आपके जो बोल हैं उसमें किस किस पर आप निशाना साध रहे हैं? देखिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो कैंपेन होता है वो 2 मुख्य बिंदुओं के आसपास होता है। एक तो उस पॉलिटिकल पार्टी के कैंपेन के दौरान प्रोमिसज क्या हैं और दूसरा उस पार्टी के प्रोटेस्ट क्या हैं, वो किन चीज़ों के ख़िलाफ़ है और किन चीज़ों के साथ है। हमारा भी कैंपेन सॉन्ग जो है आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धताओं और आम आदमी पार्टी के प्रतिरोधों को रिफ्लेक्ट करती है। हम ये नहीं चाहते अपने किसी भी कैंपेन के दौरान कि हम कोई ऐसी अलग थलग नई बात कहें जो जनता कहना या सुनना नहीं चाहती। हमारे कैंपेन स्लोगन की अगर हम बात करें तो जब हम लोकसभा चुनाव के दौरान जनता के बीच गए, जनता ने खुद कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही से हम तंग आ चुके हैं। हमारे लिए तो अरविंद केजरीवाल ही कल भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे और भाजपा की जो ये जेल भेजने की राजनीति है, आप आश्वस्त रहें, हम इसका जवाब जो है वोट से देंगे। और कालांतर में वही आम आदमी पार्टी का स्लोगन बना। बिल्कुल इसी तरह के सेंटिमेंट्स को आम आदमी पार्टी का लोकसभा कैंपेन सॉन्ग भी रिफ्लेक्ट करता है, जिसमें हम 3 अंतरे हमने रखे हुए हैं। पहला अंतरा बात करता है कि जितनी भी आवाज़ें भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ थी भाजपा ने सबको जेल में डाला, चाहे हेमंत सोरेन जी का मामला हो, चाहे कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज करने की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी के विजय नायर जी को, जैन साहब को, संजय जी को, मनीष भाई को, अरविंद भाई को अरेस्ट करने की बात हो, भारतीय जनता पार्टी ने सबको जितने भी खिलाफ आवाज सबको उन्होंने जेल में डाल दिया। और दूसरी तरफ जिनके साथ मिलकर भाजपा ने चंदा घोटाला किया, 60 करोड़ रुपये लेके शरदचंद्र रेड्डी को भारतीय जनता पार्टी ने आज़ाद कर दिया। ये पहला अंतरा है। दूसरा अंतरा, भारतीय जनता पार्टी सब कुछ बेचने की मुहिम में लगी हुई है, सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है, ONGC, रेल, सेल, एयरपोर्ट, LIC सब कुछ प्राइवेटाइज कर रही है। वहीं दूसरी तरफ 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियों पर चुप है, महंगाई पर सांप सूंघ गया भाजपा को। और तीसरा अंतरा ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ा खतरा क्या है। भारतीय जनता पार्टी देश के डेमोक्रेटिक फैब्रिक के अगेंस्ट है, देश के अंदर बाबा साहब के लिखे संविधान को बदलने की साजिश रच रही है। ये बात अब जग उजागर हो चुकी है। भाजपा के सांसद एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं, मोहन भागवत जी एक बार नहीं कई बार बोल चुके हैं कि हम जब आएंगे तो ये संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे और कुछ अपना ही कोई कानून जो है लागू करेंगे। तो भाजपा के होने से संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है और ये ही वे पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं जो इस गीत में पिरोए गए हैं। हमें उम्मीद है कि अपनी सरलता और सहजता और प्रवाह की वजह से जो भी बातें अपने लोकसभा चुनाव के दौरान गद्दे में जनता से कहना चाह रहे हैं वो पद में और सलीके से कह पाएंगे। ये जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ ये गीत का, ये रैप सॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है, तो इसका मकसद क्या था? क्योंकि आम थीम सॉन्ग भी होते हैं लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं युवाओं को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें वो सिटी वाइब, सिटी फ्लेवर तो है लेकिन ओरिजिनली जितने भी रैप आर्टिस्ट हुए हैं, जो रैप सॉन्ग का ओरिजिन क्या है, रैप सॉन्ग्स बेसिकली रेबल सॉन्ग हुआ करते थे। हमारे हरियाणा में जाएंगे आप तो रागिणी हुआ करती थी, तो ये रागिणी अंग्रेजों के ज़माने में जब लिखी जाती थी ना तो वो प्रतिरोध के स्वर उसमें हुआ करते थे, वैसे ही रैप सॉन्ग भी होते थे, रैप सॉन्ग भी प्रतिरोध के स्वर से स्वरबद्ध हुआ करते थे। ये गीत भी भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी और तानाशाही के खिलाफ है, हमारे अंदर के प्रतिरोध को अभिव्यक्त करता है। और यह सॉन्ग को, इस गीत को संगीत से सजाया हमारे एक साथी हैं सुशांत अस्थाना जी, जिनका हम हमारी पार्टी के लोग शुक्रिया अदा करते हैं। यह गीत उम्मीद से भी ख़त्म होता है। आखिर में आप देखिएगा संजय सिंह जी की आवाज़ है जो कहते हैं कि भाई इस वोट में ही तो ताकत है, लिहाजा इस बार हमको जेल का जवाब वोट से देना है।
तो ये उम्मीद पे खत्म होता है, समाधान पे खत्म होता है ये गीत। समाधान क्या है? ये भाजपा की तानाशाही, गुंडागर्दी और जेल का जवाब वोट से देना। मैं देख रहा हूँ पहली बार आप लोग आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं, अभी तक आप भाजपा केंद्र सरकार पर निशाना साधते थे, लेकिन मन से आपने भी ये बात कही, अभी भी आप ये बात दोहरा रहे हैं, तो क्या ये अब आगे की रणनीति है आप लोगों की? क्योंकि कांग्रेस के नेता तो अक्सर ऐसा बयान देते रहते हैं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी नेताओं की जुबान पर भी आरएसएस है। जिसने जो कहा, हम तो आईना दिखाने का काम कर रहे हैं सिर्फ। भागवत साहब ने जो कहा हमने उसका जिक्र कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के एक नहीं तीन तीन सांसदों ने और बाकी के नेताओं ने एक नहीं कई मौकों पर साफ साफ कहा, जो आज की तारीख में 40 पार कर ले बहुत है, वो 400 पार का फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, वो उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई ये चाहिए क्योंकि हमको संविधान बदलना है। अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के लिखे संविधान के सख्त खिलाफ है, और लिहाजा इस देश को एकजुट होना पड़ेगा इस देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए और बाबा साहब के लिखे संविधान को बचाने के लिए। क्योंकि आपने ही लिखा है और आपने ही गाया है और आपसे ये गीत दर्शकों को नहीं सुनाया है तो जाती हो जाएगी। मैं सुनना चाहूँगा कि आप इसमें दो तीन जो अंतरे मुखड़े हैं वो सुना दें। बिल्कुल, पहला अंतराय मैं सुनाता हूँ जो वो जो इस तरह से है कि आवाज़ें खिलाफ थी जो सबको जेल में डाल दिया, बस उनको ही बाहर रखा जिसने इनको माल दिया। इतना लालच, इतनी नफरत, भ्रष्टाचारी से मोहब्बत, ऐसे किरदारों को सत्ता अनियानी से रोक देंगे, वोट देंगे, जेल के जवाब में हम वोट देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप पांडे, तसल्ली से बताते हुए कि इस थीम सॉन्ग का मकसद क्या है। और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल की यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाते हैं, और जाहिर है कि इस तस्वीर के माध्यम से पूरी दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए एक संगीत तैयार किया गया है, और इसके ज़रिए देखना होगा कि लोगों तक पहुँचने में आम आदमी पार्टी कितनी कामयाब हो पाती है।